कैसे हो दोस्तों? क्या हाल है? गाड़ी में आज कितना पेट्रोल डलवाया? भाई पेट्रोल की प्राइस तो कपड़े फाड़ने को तैयार है, और सरकार से पूछो तो वो ये कहते हैं कि ये तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रही है, इसलिए पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है। और सरकार के समर्थकों से पूछो तो बोलते हैं कि भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। क्या लगता है आपको, पेट्रोल की प्राइस क्यों बढ़ रही है? पेट्रोल की प्राइस होनी कितनी चाहिए? इसके पीछे क्या इकोनॉमिक्स है? आज चलिए ये छोड़ते हैं, पेट्रोल की बात छोड़ देते हैं। देश कितना विकास कर रहा है, जीडीपी कहाँ है, जीडीपी इसके पहले 2014 से पहले कितनी थी, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं, मेरे मन में भी आते हैं। मैं क्या करता हूँ कि ब्लॉग लिखता हूँ, फेसबुक पे लिखता हूँ, ट्विटर पे लिखता हूँ, और ट्विटर पे सरकार से सवाल करता हूँ। अपने बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी, उनसे भी सवाल करता हूँ ट्विटर पे। तेजस्वी यादव जी, उनको भी ट्वीट कर देता हूँ। अपने देश के पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनको भी ट्वीट कर देता हूँ। अमित शाह को भी कई बार प्रश्न पूछ लेता हूँ कि बताइए सर ऐसा ही क्यों हो रहा है। ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जो पूछने चाहिए हमको। ये मैं पूछता कहाँ हूँ, बताता कहाँ हूँ आप लोगों को, अपने ब्लॉग पे, ट्विटर पे जो पोस्ट करता हूँ, जो ट्वीट पे मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे, वो मुझे जानते हैं। अब क्या है कि आपको पता होना तो चाहिए ना कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, सरकार कितना उस पर टैक्स ले रही है। उस पे सही में केंद्र सरकार ईमानदार है, राज्य सरकार ईमानदार है। कांग्रेस जो प्रोटेस्ट कर रही है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो देश भी अभी प्रोटेस्ट होना चाहिए, तो कांग्रेस कितना सही है, आम आदमी पार्टी कितना सही है, या हर एक राज्य की जो सरकार है उसका पेट्रोल के प्राइस को बढ़ाने या घटाने में कितना योगदान है। अच्छा, अभी अभी आपने एक न्यूज़ पे ध्यान नहीं दिया होगा, शायद पढ़ा नहीं होगा। वो न्यूज़ क्या है कि यूजीसी ने अपने देश की 900 यूनिवर्सिटी है उनको लिखा था कि काउ साइंस एक सब्जेक्ट होता है, गौ माता के ऊपर एक ऊपर साइंस है वो सब्जेक्ट होता है, उसको लिखा था कि आप अपने स्टूडेंट लोगों से बोलिए कि वो सब उसको इनरोल करें, रजिस्टर करें और वो एग्ज़ाम दें। और आप लोग जान कर ये खुश होंगे और हैरान होंगे कि टोटल 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको रजिस्टर कर भी रखा है और शायद एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये रही बात, आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा ना कि अपने बिहार के जो भाई लोग हैं वो गल्फ कंट्री में जाते हैं तो कैसे रहते हैं, उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं। अपने बिहार के भाई लोग या देश के दूसरे राज्य के लोग जो जाते हैं देश विदेश में, हर कोने में रहते हैं, वहाँ की उनकी लाइफ कैसी है, वहाँ उनके क्या क्या चैलेंजेज हैं, वो क्या मिस करते हैं। ओके, और अभी सबसे ताज़ा ताज़ा जो मामला चल रहा है वो जो यूपी का बॉर्डर है और दिल्ली में जो जो जिससे कनेक्टेड बॉर्डर है, जैसे सिंघू बॉर्डर और दो तीन बॉर्डर है टिकरी बॉर्डर, उस पर लाखों की संख्या में किसानों ने वहाँ अपना प्रॉपर कैंप बना करके वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और किसके खिलाफ कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने एक कृषि कानून लाया है, उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब कृषि कानून में क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको पता है? पहली बात यह है कि आपको पता है या नहीं है, दूसरी बात है कि आपको पता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे और आपके लाइफ को अफेक्ट करेगा। ऐसे एक और मुद्दा आता है जो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं, जैसे ही मैं, आप या हमारे कोई दोस्त बैठते हैं तो एक मुद्दा घूम फिर के आ ही जाता है कि आरक्षण, आरक्षण बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है शायद, ऐसा लगता है। अब सही मायने में आरक्षण कितना लाभकारी है, इसने समाज के हर एक सेगमेंट को और खासकर उस सेगमेंट को जिसके लिए बनाया गया था उसको ये कैसे अफेक्ट कर रहा है, कैसे प्रभावित किया है, और लोगों का जीवन इससे कितना बदला है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये मेरे आपके भविष्य का सवाल है। ऐसे आपको एक और मुद्दा मिल जाएगा कि अभी मीम्स बन रहे हैं, सरकार का मजाक भी उड़ाया जा रहा है, किस बात पे कि सरकार थोक भाव में सेल लगा रखी है
और कई सारे पीयूसी को बेच रही है। बेसिकली ये बेचना क्या होता है, इसके पीछे क्या इकोनॉमिक्स है, ये शायद आपको पता है या नहीं पता। इसको डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, सरकार इसे डिस इन्वेस्टमेंट बोलती है, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो अब उसके पीछे सरकार ये क्या मंशा है, सरकार इस पर क्या कर रही है, और इससे आने वाले समय में मेरे और आपके लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। अब चूंकि हम लोग बिहार से हैं, हम लोग यानी जो सुन रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग जो मेरे मित्र हैं वो बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, तो बिहार से हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना रहता है, रहना भी चाहिए, हमारी मातृभाषा वहीं की है, हमारी जन्मभूमि वहीं की है, मातृभूमि वहीं की है। मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, मेरे कई सारे दोस्त देश विदेश के हर कोने में रहते हैं, खासकर यदि हम अपने देश की बात करें तो अपने देश में नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जितने सारे स्टेट हैं उनको देखिएगा, तो जो भ्रष्टाचार और करप्शन है वो हर जगह है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो हर जगह कहीं ना कहीं हुआ है। और एक बिहारी होने के नाते मैं ज़्यादा दुखी रहता हूँ कि अपने बिहार में ऐसी क्या गलती हो गई, क्या अपने बिहार के नेता या बिहार की सरकारें जो पहले आई थी वो इतनी भ्रष्ट हैं, या क्या वजह है कि हमारा बिहार उतना विकास नहीं कर पाया है। मैंने एक कविता भी लिखी थी जिसकी दो लाइनें ऐसी है कि सब प्रांतों में चोर हुए पर सबका बहुत विकास रहा, कैसे कैसे चोर हुए जो पाटलिपुत्र इतिहास रहा। तो ये भी अपने आपके और मेरे मन में प्रश्न उठता है कि भाई बिहार में जो डेवलपमेंट जितना होना चाहिए वो हुआ नहीं, इसके क्या क्या कारण है, इस पर क्या क्या डिस्कशन होना चाहिए, क्या एक बिहारी होने के नाते हम लोग क्या सोच रखते हैं और क्या कर सकते हैं। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं ये सारी बातें अपने एक ब्लॉग है जिस पे लिखता था, जो पहले खामोश दरिया के नाम से था, उसके एक सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स थे जो फॉलो करते हैं, इन्हीं सारी बातों को मैं अपने फेसबुक पे भी लिखता हूँ, फेसबुक मेरा पेज है उस पे भी लिखता हूँ। अब मैं एक नई कोशिश करने जा रहा हूँ, ये कोशिश ये है कि मैं अपने ब्लॉग को रीनेम किया है मैंने, और वो ब्लॉग और खामोश दरिया की जगह पे बिहारी चौपाल के नाम से जाना जाएगा, और उसी का एक एक्सटेंशन है कि मैं चाहता हूँ कि इन सारी बातों को आपसे डायरेक्ट बात करूँ एक वीडियो के माध्यम से। ये जो सारी जानकारी है, जो इशू है, जो सारे डिबेट के टॉपिक हैं, ये जानकारी है, ये सब मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से दूँ। इसलिए मैंने एक नया अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, उसका भी वही नाम है, बिहारी चौपाल, वी आर प्राउड बिहारीज, और इसलिए बिहारी चौपाल इसका नाम दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस फ़ोन के माध्यम से मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जिस कंप्यूटर के माध्यम से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इसकी भी एक टेक्नोलॉजी है, आपका फ़ोन किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, नए नए क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, आप सिस्टम पे जो काम करते हो उसमें नया टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं उससे भी वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, ऐसे आपके मन में हज़ारों सवाल होंगे और उसका जवाब आप ढूंढने की कोशिश करते होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी राय लेनी पड़ेगी। ये सारे जो प्रश्न हैं, ये सब प्रश्न मेरे मन में भी आते हैं और मैं उसका जवाब ढूंढता हूँ। कैसे ढूंढता हूँ, क्योंकि मैं हर जगह पढ़ता हूँ कुछ ना कुछ, और मैं चाहता हूँ कि वो जानकारी आप तक पहुँचे, इसलिए मैं ब्लॉग लिखता हूँ। जिन मित्रों को, भाई बंधु को जानकारी मिलती होगी, यदि उन्हें अच्छा लगा होगा तो वो मुझे फॉलो करते हैं, और यदि आपने मिस किया होगा तो उससे बेटर एक माध्यम बन गया है कि अब यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं वो सारी चीज़ें आपके पास तक पहुँचाऊँगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब मैं YouTube पे आ रहा हूँ। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टॉपिक है, जिस पे बात होगी, वो हज़ारों हज़ार टॉपिक हैं, देश विदेश से लेकर के अपने राज्य के, अपने ज़िले के, अपने छोटे कस्बे तक का टॉपिक हो सकता है। मैं आपसे अपने जो ऐसे दोस्त हैं जो पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उनसे मिलवाऊँगा, उनसे हमारी चर्चा होगी, वो भी आप इस पर देख सकते हैं। और आपके मन में यदि कोई सवाल है, ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, इस टॉपिक पे हमें कुछ जानकारी मिलनी चाहिए, वो जैसे ही आप कमेंट करते हैं या किसी भी ईमेल मैसेज के थ्रू मेरे पास पहुंचता है, तो उस टॉपिक को कवर किया जाएगा। मेरा मकसद ये है कि मेरे मन में जो हज़ारों सवाल है जिसका मैं जवाब ढूंढता हूँ, जैसे ही वो मुझे जवाब मिलता है तो जवाब आपको भी मिले, आप भी उसे पढ़ें। आपका बहुत बिजी लाइफ रहता है, सब लोग अपने अपने लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, और उसमें से समय निकाल करके यदि 5-10 मिनट देते हैं
तो एक नेक वीडियो आपको दिखेगी जिस पे आपको जानकारी मिलेगी। आशा करता हूँ कि मेरा जो एफर्ट है, मेरी जो ये कोशिश है, ये प्योरली इस बेसिस के लिए है ताकि जो चीज़ मैं पढ़ता लिखता हूँ वो सब आपके पास तक तो पहुँचे, और मेरे माध्यम से यदि आपको थोड़ा सा भी कुछ एक अच्छी सीख, ये नई चीज़ सीखने को मिलती है तो मेरा मेरा जो प्रयास है वो सफल होगा। तो इसी इंटेंशन के साथ मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, और आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आपको आप लोग उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसे फॉलो करिए, और जो भी आपके जानने वाले हैं, मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, जो ये सब टॉपिक पे यदि कुछ जानना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि यहाँ यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इसी उम्मीदों के साथ आपका अरुण भारती बिहारी चौपाल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता है, और उम्मीद है कि मैं और आप वहाँ जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।